सो हे गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम अहमदाबाद. दिस इज़ कुनाल एंड यू आर वॉचिंग यात्रीनामा. सो फ्रेंड्स, आज मेरा तीसरा और आखिरी दिन है अहमदाबाद में. तो अहमदाबाद में ऑलरेडी पूरा घूम चुका हूँ. तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको साइड में मिल जाएगा. तो आज का जो मेरा प्लान है वो है यहाँ से जाने का गांधीनगर. तो यहाँ से गांधीनगर कुछ 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ता है. तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि गांधीनगर में कौन कौन सी जगह है घूमने की जो आपको देखनी चाहिए एंड आप वहाँ पे कैसे घूम सकते हैं. सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको काफ़ी सारी डिटेल्स देने वाला हूँ. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं इस डे ट्रिप को. सो गाइस, मैं पहुंच गया हूँ अपनी आज की पहली डेस्टिनेशन पे. तो मैं आया हूँ सबसे पहले देखने यहाँ की अदलज स्टेपवेल. तो ये अहमदाबाद से कुछ 17-18 किलोमीटर की दूरी पे है एंड इसको विजिट करने के लिए आपको लेना होगा एक टिकट. तो टिकट प्राइस जो है वो है यहाँ का 25 रुपये का. तो ले लेते हैं और चलते हैं अंदर. सो गाइज, ये आप देख सकते हैं, ये है वो हिस्टोरिक स्टेपवेल अदलजनी वाव. तो वाव का जो मतलब होता है वो होता है स्टेपवेल यानी बावरी हिंदी में. तो ये है, काफ़ी पुरानी स्टेपवेल है, 300-400 साल पुरानी है. तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको कैसी है पूरी अंदर से. तो चलिए देखते हैं. सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ की मेन स्टेपवेल एंड ये कुछ इसके ऊपर का व्यू है. सो ये देखिए, काफ़ी बड़ी है. ऊपर पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांच, पूरी पांच स्टोरी है एंड इस टाइप का कुछ व्यू है. सो गाइज, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर से व्यू है जहाँ अभी हम वहाँ नीचे से देख रहे थे ऊपर जाली की तरफ. तो ये है वो जाली है, बट यहाँ से नीचे कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा अंधेरा है. एंड ये आप देख सकते हैं, ये है पूरा एरिया यहाँ का बाहर का. तो इधर ग्राउंड वगैरह बने हुए हैं साइड में. सो ये है पूरा अदलज स्टेपवेल. तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप अहमदाबाद और गांधीनगर की तरफ जा रहे हैं. तो ये आपकी लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए. तो फ्रेंड्स, अदलज के बाद अब मैं आ चुका हूँ यहाँ के डांडी कुटीर म्यूजियम में. तो ये यहाँ का काफ़ी पॉपुलर म्यूजियम है, बट यहाँ अंदर दिक्कत ये है कि फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है. तो इसके अंदर का मैं आपको कुछ भी दिखा नहीं पाऊँगा. एंड यहाँ के जो टिकट चार्जेस हैं वो 10 रुपीज़ के हैं. तो मैं पहले विजिट करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको क्या क्या है अंदर एंड क्या चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी यहाँ. सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग, ये है महात्मा मंदिर एंड यहाँ से ये एक ब्रिज बना रखा है. ये देखिए, ये है पूरा ब्रिज, इधर से रास्ता जा रहा है एंड ये डांडी कुटीर. तो ये है, काफ़ी सुंदर ब्रिज बना रखा है. सो फ्रेंड्स, ये जो महात्मा मंदिर है इसको विजिट करना भी अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्जीबिशन वगैरह का काम चल रहा है. तो वो मैं आपको भी नहीं दिखा सकता, बट ये देख लीजिए, ये है यहाँ से मेन बिल्डिंग. मैंने म्यूजियम विजिट कर लिया है एंड अंदर से काफ़ी अच्छा बना हुआ है. तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिलने वाली है महात्मा गांधी जी की रिगार्डिंग. तो पूरा एक घंटे का शो रहता है यहाँ पे. आपको अंदर पिक्चर्स हैं और छोटी छोटी वीडियोग्राफीज हैं. तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक महात्मा गांधी जी के बारे में सब कुछ दिखाया गया है. तो बहुत ही सुंदर म्यूजियम है. तो अगर आप यहाँ पे गांधीनगर आ रहे हैं तो ये जो म्यूजियम है ये आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको. मैंने भी ऐसा म्यूजियम कभी नहीं देखा, बहुत ही सुंदर अच्छी तरीके से बताते हैं पूरा. सो बिल्कुल आए यहाँ पे एंड देखें इस म्यूजियम. फ्रेंड्स, अभी मैं एक पार्क में आया हूँ. इस पार्क का नाम है स्वर्णिम पार्क. ये आप देख सकते हैं, काफी बड़ा पार्क है एंड वहाँ पीछे आपको दिख रहा होगा वहाँ पे महात्मा मंदिर जहाँ से हम अभी आ रहे हैं. एंड ये आप देख सकते हैं, इधर इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फाउंटेन बने हुए हैं और वो पीछे जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो है यहाँ की विधानसभा. तो ये वहाँ से लेके विधानसभा से लेके इधर
पूरा पार्क बना हुआ है वहाँ महात्मा मंदिर तक, तो काफी बड़ा पार्क है। तो ये देखिए दोस्तों कितनी ग्रीनरी है, बीच में यहाँ पेड़ वगैरह लगा रखे हैं, तो यहाँ पे लोग बैठ के रिलैक्स वगैरह कर रहे हैं अपना। सो फ्रेंड्स अभी मैं हूँ यहाँ के डायनासोर पार्क में, एंड यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के डायनासोर की रेप्लिका देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हैं मेरे पीछे, एंड एक इधर है यहाँ पीछे। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आ रखे हैं मनोरंजन मज़े करने, डायनासोर वगैरह देखने। और दोस्तों इस वाले डायनासोर को देखिए, ये यहाँ का सबसे छोटा है। अच्छा सो गाइज ये था इंद्रोरा का ज़ू। सो काफ़ी बड़े एरिया में है, एंड यहाँ पे आपको सभी तरह के एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं, तो ज़रूर आइए यहाँ पे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत टाइप के एनिमल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। सो अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। सो फ्रेंड्स इंद्रोरा नेचर पार्क के बाद अब मैं आ गया हूँ यहाँ के सरिता उद्यान में। तो ये यहाँ का काफ़ी फेमस पार्क है, तो उसके पास में ही है बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इसको कैसा है ये पार्क। सो फ्रेंड्स इस पार्क के चारों ओर आपको ग्रीनरी वगैरह देखने को मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छा है। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं यहाँ के पीसफुल एंड इस ग्रीन एनवायरनमेंट को। तो एक्चुअली गांधीनगर के एरिया में यहाँ पे आपको पार्क ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी सारे पार्क्स हैं यहाँ पे, तो ये काफ़ी फेमस पार्क है, तो देख सकते हैं एक बार। तो थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने आज के नेक्स्ट स्टॉप पे, जो कि है अक्षरधाम टेम्पल। सो गाइज फाइनली अब मैं आ चुका हूँ अपने आज की आखिरी डेस्टिनेशन पे, जो कि है यहाँ का अक्षरधाम टेम्पल। तो ये जो टेम्पल है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल में से एक है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है, तो अंदर का मैं आपका कुछ भी नहीं दिखा सकता। तो मैं अब अंदर जाने वाला हूँ और उसके बाद आके आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या होता है एंड अंदर कैसा है पूरा। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इधर यहाँ से जाने का रास्ता है, एंड यहाँ पे आपको अपना फ़ोन वीडियोग्राफी कैमरा वगैरह सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं टेंपल विजिट कर। सो गाइज जो मंदिर है अंदर से वो काफी ज्यादा सुंदर बना रखा है। वहां पे अंदर आपको स्वामी नारायण जी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, और काफी सारे बगीचे वगैरह भी हैं, तो काफी सुंदर है, अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है। और शाम को जाने का फायदा आपको ये मिलेगा कि शाम को आपको यहाँ की लाइटिंग भी देख सकते हैं, मंदिर में लाइटिंग होती है तो काफी अच्छा लगता है। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि शाम को आप यहाँ पे मजा उठा सकते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल फाउंटेन शो का। यहाँ पे एक सच्चित आनंद करके एक फाउंटेन शो होता है डेली, तो वो काफी बढ़िया था यार। 45 मिनट का शो होता है, एक थीम के थ्रू आपको पूरी स्टोरी नरेट करते हैं वो म्यूजिकल फाउंटेन के साथ, तो काफी जबरदस्त था, मजे आ गए देख के। तो मात्र 100 रुपीज उसकी टिकट है, तो अगर आप अक्षरधाम टेम्पल आ रहे हैं तो उस म्यूजिकल फाउंटेन शो को जरूर देखिएगा, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों बस यही था गांधीनगर, इसके अलावा गांधीनगर में और कुछ नहीं है घूमने के लिए। तो यहाँ पे घूमने के लिए आपके पास या तो अपना पर्सनल व्हीकल होना चाहिए या फिर आप ऑटो वगैरह करके घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, तो उस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर गाइस।